बहरहाल इस बीच अहम खबर है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना है। जी हां, नीतीश कुमार से तेजस्वी को सीएम बनाने की डील हुई फेल, ये गिरिराज सिंह ने कहा है। ये अभी भी बंगाल यूपी घूमकर आरजेडी को कर रहे गुमराह, उन्होंने बड़ा आरोप और बड़ा बयान दिया है। आरजेडी जेडीयू ने 30 सालों में भी अति पिछड़ों का विकास नहीं किया, विकास के बदले जातिवाद कर हिंदुओं को फोड़ते रहे। गिरिराज सिंह का यह बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री को तेज प्रताप की धमकी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन की सरकार और नीतीश तेजस्वी को आड़े हाथों लिया है। गिरिराज सिंह ने खुले शब्दों में कहा है कि जिस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी को धोखा देकर महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, उसी वक्त डील हो गई थी। मार्च के बाद तेजस्वी सीएम की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन आज नीतीश कुमार का एक बार फिर कुर्सी से मोह नहीं जा रहा है। वही उन्होंने आरजेडी और जेडीयू पर पिछड़ों की राजनीति के बहाने जातिवाद कर हिंदुओं को फोड़ने का आरोप लगाया। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तेज प्रताप यादव की धमकी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद में जो गठबंधन हुआ था उसमें तय था बजट के बाद तेजस्वी सीएम होंगे, ऐसा उन लोगों का मानना था। अगर ये इज्जत बचाना है तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद पर देना पड़ेगा, नहीं तो तेजस्वी जी के लोग नीतीश बाबू को धक्का मार के हट। हिंदू के धर्म गुरु चाहे बागेश्वर महाराज जी हो, उनको कथा करने से रोकने का क्या औचित्य है और किसकी हिम्मत है कि रोक देगा एयरपोर्ट पर? रोक देगा तो भारत का सनातन और हिंदू बिहार का कितना दिन तक आप हिंदुओं को बांट करके मुसलमानों को आगे बढ़ाते रहेंगे और मुसलमानों को कंधा पर बैठाएंगे और हिंदुओं के धर्म को गाली देंगे?